Hello friends, welcome to all. Today I am going to explain you the graphene batteries. तो देखिए ग्रेफीन बैटरीज जो हैं वो क्या लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर पाएगी. दिस इज द क्वेश्चन. वेल ग्रेफीन बैटरीज विल रिप्लेस लिथियम आयन बैटरीज. अब आप सोचे होंगे कि ग्रेफीन क्या है. अब ये बहुत ज़बरदस्त बहुत स्ट्रांग मटेरियल है जो कि आने वाले टाइम पे लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर सकता है. और यहाँ की पर की जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है दैट सैमसंग इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट ग्रेफीन बैटरी इन नेक्स्ट 2 ईयर. सैमसंग बहुत स्पीड से इस पे काम कर रही है. और क्यों ग्रेफीन की दुनिया को एक चमकती हुई दुनिया कहा जाता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज के डिपेंडेंस मतलब कहाँ किस किस पे डिपेंडेंट है लिथियम आयन बैटरी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. लिथियम आयन बैटरी बहुत महंगी पड़ रही है. लिथियम के भंडार जो है वो बहुत कम है दुनिया में. सो लिथियम रिजर्व्स आर द मेन कंसर्न फॉर लिथियम आयन बैटरीज. दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज मूविंग टू ग्रेफीन बैटरीज. चलिए बात करते हैं ग्रेफीन बैटरीज के ऊपर. ये देखिए ग्रेफीन बैटरीज, व्हाई दीज बैटरीज आर सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ देयर हायर कैपेसिटी, फास्टर चार्जिंग, लाइट वेट, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई टेम्परेचर रेंज. लिथियम आयन बैटरी में आपने सुना होगा कि बैटरीज फट जाती हैं, बैटरी जस्ट बर्स्ट अवे. तो उसके लिए यहाँ पे ग्रेफीन की बैटरी जो कि हाई टेम्परेचर रेंज को सह सकती है. दैट्स व्हाई दीज बैटरीज आर सो इम्पॉर्टेंट एंड पीपल एंड मैनी इंस्टीट्यूशंस आर इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च ऑफ दीज बैटरीज. यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया अभी खाली लिथियम आयन बैटरी के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है. आई थिंक इंडिया ऑल्सो शुड इन्वेस्ट ऑन ग्रेफीन बैटरीज. और जो लेटेस्ट अपडेट ग्रेफीन बैटरीज से निकल के आ रही है विच इज सैमसंग कह रहा है कि Samsung introduced a battery technology using graphene to make lithium ion batteries last longer. Everyone was praising. Samsung ने already इस चीज़ को evolve कर लिया and वो कहने वाले कि आने वाले 2 सालों के अंदर Samsung will release a device with graphene battery. नेक्स्ट मीन्स 2021. तो बहुत बढ़िया, दिस इज़ अ बेस्ट थिंग आई थिंक से, क्योंकि सैमसंग के बहुत फ़ोन बस्ट हो गए थे एंड उसके बाद सैमसंग को पूरा का पूरा सीरीज जो है वो बंद करना पड़ा था. आपको भी पता है कि बैन हो गए थे सैमसंग के फ़ोन की. अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो यू कैन नॉट एंटर एनी एयरप्लेन एंड ऑल. इस तरीके से कई जगह पर आपकी एंट्री बंद हो गई थी. तो सैमसंग ने उस टाइम पर उसे धक्का लगा था. दैट्स वाई दे थॉट अब हम ग्रेफीन बैटरी वो ऑलरेडी रिसर्च कर ही रहे थे. चलिए बहुत बढ़िया बहुत पॉजिटिव चीज़ है अगर ये ग्रेफीन की दुनिया में हो जाता है. अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ ग्रेफीन. ग्रेफीन देखिए जिस तरीके से अलग अलग एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, वैसे ही ग्रेफीन है, जहाँ पे ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन मोनोट्यूब, फ्लोरेंस. तो इस तरीके से ग्रेफीन भी एक एलोट्रॉप मैं कहूँगा कार्बन का. अगर आप केमिस्ट्री जानते हो तो आप जल्दी समझ जाएंगे. और मेजरली यहाँ पे जो ग्रेफीन है वो एक स्ट्रॉन्ग वो मतलब आपको इजीली थोड़ा बना के आप उसको बना सकते हो. ये नहीं कि आपको उसके भंडार ढूंढने पड़ेंगे. यहाँ पे आप केमिकली उसको बना सकते हो. ग्रेफीन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, कि मान के चलिए कि हेक्सागनल लेटिस है जो कि कार्बन एटम से मिलके बनता है. तो यहाँ पे इस चीज़ को तो बनाना पॉसिबल है, बट लिथियम के रिजर्व्स आप कहाँ से लेके आओगे. क्योंकि लिथियम की अगर बात करें व्हाट लिथियम आयन बैटरी यूजेस, लिथियम आयन बैटरी में जो यूज होता है वो होता है लिथियम आयन्स. मेजरली लिथियम आयन की बात करें LiCO यानी कि कोबाल्ट की बात करें या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज होता है. तो इस तरीके से ये ऑक्साइड बैटरीज होती है, लिथियम आयन मैग्नीज ऑक्साइड बैटरीज होती है. तो डेफिनेटली वहाँ पर लिथियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वही सेल आपस में मूव करता है. तो लिथियम आयन की बैटरीज के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लिथियम आयन बैटरीज के बस्ट के न्यूज़ आते हैं. कैपेसिटी ऑल दो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है आज की डेट के हिसाब से, बट फ्यूचर में हमें और चाहिए. कहते हैं ये दिल मांगे मोर, तो हमें और चाहिए. डेफिनेटली जो मार्केट की डिमांड है तो और चाहिए होगा. तो इसीलिए वहाँ पर लिथियम आयन बैटरी इज वेरी स्मॉलर capacity as compared to graphene batteries. Graphene battery की capacity बहुत ज़्यादा है. So people are investing. People क्या बड़े बड़े Samsung जैसे institutions they are investing in graphene batteries. तो फिलहाल आपने जो graphene देखा, graphene की battery देखी और Samsung की ये latest update देखी कि भैया वो device निकालने वाले हैं Samsung का graphene battery वाला. तो this news is very मैं कहूँगा पॉजिटिव टू द बैटरी मार्केट. फिलहाल तो हायर कैपेसिटी होगी उसकी, क्योंकि अभी तक अगर आप फ़ोन देखें तो 5000 mAh 6000 mAh के फ़ोन्स आते हैं. डेफिनेटली वो एक दो दिन चल जाते हैं, फिर भी आप दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हो तो वो फ़ोन की बैटरी तो ओवर होगी ही, डिस्चार्ज होगी. तो डेफिनेटली यू नीड अ बैटरी विच कैन बी चार्ज इन 1 or 2 मिनट या फिर 5 मिनट, इतनी जल्दी चार्ज हो जाए. सपोज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में आएंगे तो आप क्या गाड़ी लेके चार्जर का पॉइंट लेके खड़े रहेंगे. नो, यू नीड द बैटरी टू बी चार्ज्ड विद इन
30 मिनट विदिन 10 मिनट्स ऐसे चार्ज करोगे देन इट विल बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोडों पे दौड़ने लग जाए। फिलहाल दो शेयर्स हैं जो ग्रेफाइट के इंडिया के अंदर हैं, एज सच ग्रेफिन के कोई शेयर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, ये शेयर बिल्कुल गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 292-300 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अपने सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस शेयर को देखना अगर हम ग्रेफिन की सोच रहे हैं। दूसरा शेयर इंडिया के अंदर है HEG। दीज शेयर्स आर नॉट ओनली इंडिया लेवल प्लेयर्स, दीज आर यू कैन से ग्लोबल प्लेयर्स इन द मार्केट ऑफ ग्रेफाइट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रेफिन शेयर्स तो देर आर नो स्पेसिफिक शेयर्स, बट ग्रेफाइट शेयर्स आर इन अवेलेबल इन इंडिया। सो यूजिंग ग्रेफाइट यू कैन, दीज कंपनीज कैन मेक ग्रेफिन इन फ्यूचर ऑल्सो। सो दीज शेयर्स आर काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज ओवर ग्रेफिन मार्केट, फॉर द ग्रेफिन मार्केट। चलिए, ये आपने देखा यहाँ पे ग्रेफिन के बारे में हमने काफ़ी कुछ बताया, आपको शेयर करने की कोशिश करी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू ऑनली, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू ओवरऑल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।